क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ, नहीं आप लोग बोलो क्या बोलूँ मैं। आई एम फीलिंग चीपलेस नाउ यार। 8 घंटे की वेब सीरीज देखी मैंने नेटफ्लिक्स पे, संजय लीला भंसाली की, जिसका नाम है हीरा मंडी। साला इतना बड़ा बड़ा सेट्स लगाया, ग्रैंड बनाया, अगर वहीं थोड़ी सी बुद्धि लगाते एक अच्छी स्क्रिप्ट पे तो एक ढंग की सीरीज देखने मिलती। सबसे पहले ना भंसाली को कामाटीपुरा से बाहर निकालो, नहीं मैं सुनना ही नहीं चाहता, उनको निकालो फौरन का फौरन निकालो। आई एम ब्लाइंड, मेरे को सुनना ही नहीं है, प्लीज निकालो। क्योंकि बस हुआ यार, ये स्क्रिप्ट को अगर मैं पन्नों में भी पढ़ लूं ना तो भी सो जाऊं, लेकिन ये लोगों ने पलकों पे बिठा के ऑडियंस को जमीन पे गिरा दिया। ऑलरेडी हमने भंसाली साहब के गंगूबाई काठियावाड़ी देखी है, विद्या बालन की भी एक फिल्म देखी जिसका नाम बेगम जान, एंड वहां पर कम समय में हम ज्यादा कनेक्ट हो रहे थे कैरेक्टर्स एंड कहानी से। यहाँ साला 8 घंटा लेके भी घंटा आप किसी चीज से कनेक्ट नहीं हो पाते। फिर भी सीरीज को लेके मैं पॉजिटिव पॉइंट रखूंगा कि विजुअल्स अच्छे, एस्थेटिक वर्ल्ड आपको अच्छे फील होते। इनफैक्ट कोठे को तो मानो म्यूजियम बना दिया है, एंड ऐसा फील होता है कि हम फैमिली के साथ टूर करने जाए वहां पे। बट एट द एंड सारे बातें आकर अटक जाती है एक ही जगह पे, वो है इसकी कहानी पे, जो कि इतनी अनइंटरेस्टिंग एंड इतनी बोरिंग है। साला इस बोरिंग कहानी पे ये लोगों ने इतना मेहनत किया कि आपको प्राउड फील हो जाएगा कि यार साला इससे अच्छा तो हम एक ही सिविल इंजीनियर करके ईटा उठा रहे। सीरीज की कहानी मान लो तवाइफों का बिग बॉस चल रहा है, कोई कनेक्शन, कोई कन्विक्शन, कोई इंपैक्टफुल नजर फील ही नहीं आता। इनफैक्ट एक मोमेंट पे आपको ये फील होगा कि ऑडियंस ऐसी कहानी मांग ही नहीं रहे थे, लेकिन भंसाली साहब वही कहानी वापस रिपीट कर दी, जिसको देखकर आप बोल दोगे कि बंद कर साली। सीरीज के स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स मेरे को ठीक ठाक लगे। आई मीन अगर मैं योगा मेडिटेशन करके सीरीज देखूं तो अच्छा खासा डिप्रेशन में जा सकता हूं, लेकिन उसके बाद सीधा मौत के घाट उतार देती है सीरीज, क्योंकि इतनी बोरिंग रहती है। कुछ कुछ सीन्स को तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा तो भी स्लो लग रहा था। आप लोग मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन हीरा मंडी ये सीरीज इसलिए बनी ताकि भंसाली नेटफ्लिक्स के सामने कूल बन सके। हीरा मंडी इसलिए भी बनी ताकि जो लोग घर बैठे थे उनको काम दिला के परमानेंटली घर बैठा दूं। सिर्फ मनीषा कोइराला का काम आपको एक नंबर लगता है, उसके डायलॉग्स अच्छे लगते हैं, बाकी सारे एक्टर्स तो आपको सीरियल ड्रामा वाले ही लगेंगे। अब कुछ लोग कमेंट में ज्ञान देने आगे रहेंगे तो बता दो उनको पहले कि यार जरूरी नहीं कि बड़े बजट की फिल्म या सीरीज अच्छी ही निकले, और जरूरी नहीं कि कम बजट वाली फिल्म या सीरीज कचरा निकले। बिना स्टोरी के तो अच्छे अच्छे चीज घुसे यार। यहाँ पर हीरा मंडी को लेके मैं सिनेमेटोग्राफी की तारीफ कर सकता हूँ, कैमरा वर्क की तारीफ कर सकता हूँ। इनफैक्ट ये सब चीज में तो भंसाली साहब कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो परफेक्शन के साथ ही काम करते, तो इसलिए प्लीज आइंदा बनाना ही नहीं, क्योंकि यार उनके पुराने फिल्म्स के साथ अपने अच्छे मेमोरीज है, तो ये देखकर तो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहता। सो ओवरऑल हीरा मंडी को आप मूट मंदी कहो या फिर मंद बुद्धि कहो, यार एक्सेप्ट विजुअल्स नथिंग अट्रैक्ट्स यू। मैं इस सीरीज को 5 out of 5 star देता अगर ये बनी ही नहीं होती, लेकिन 2 star दूंगा फॉर द एफर्ट्स एंड विजुअल्स। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज सब्सक्राइब कर दो। अगर बातें बुरी लगी हो तो बिंदास गाली दो, मैं तो सुनता भी हूं यार, इतनी आदत हो गई है, मैं अप्रिशिएट करूंगा वो भी, तो लेकिन सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।